जोगिंदर सिंह हो रहा हाँ, सूबा प्रधान भारतीय जनता पार्टी हो रहा हाँ। आज जो मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि 3 कानून वापस लिए जाएंगे और 29 तारीख को पार्लियामेंट के अंदर सेशन के अंदर इसको रद्द कर दिया जाएगा, वो अच्छा है, अच्छा फैसला है, ऐसा पहले कर लेना चाहिए था, ऐसा कहा जा सकता है, देर है दुरुस्त है। 3 कानून रद्द किए हैं, बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसके रद्द करने से ऐसा नहीं कि वो पीएम साहब ने स्टेटमेंट दे दिया और किसान घर को चले जाएंगे। किसानी की मांगें और भी हैं जो ज़रूरी हैं, जैसे MSP है, इसका सरकारी खरीद का कानून बनाना और PDS को जारी करना, रखने के लिए वो कानून बनाना, उसका कोई लिख पढ़त करना है, उसका क्या करेंगे, ये भी पूछने वाली बात है सरकार से। बिल है बिजली बिल 2020, उसके बारे में क्या किया है, पराली वाले में क्या किया, बेशक दोनों मांगे मानी हुई हैं, लेकिन अभी भी दूसरी बात ये है जो शहीद हुए हैं मोर्चे के अंदर, उनके लिए कंपनसेशन का कोई ऐलान नहीं किया, वो भी कोई बात बाकी है। दूसरा, आंदोलन दौरान दिल्ली में जो पर्चे हुए किसानों के ऊपर, वो भी स्टैंड कर रही है, और लखनपुर खीरी की जो घटना है उसके दोषियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, जो अजय मिश्रा के ऊपर धारा 120B लगी हुई है, वो राजमंत्री है, गृह राजमंत्री है, उसको उधर से बर्खास्त नहीं किया। ये सारी मांगें स्टैंड कर रही हैं, इन मांगों के बारे में क्या होगा ये सारा बचारा जाएगा, ये संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में रखी जाएंगी बातें कि ये बातों का क्या कर रही है सरकार, क्योंकि सेशन में 8-9 दिन बाकी हैं, 10 दिन बाकी पड़े हुए हैं, इतने दिन के अंदर सरकार इन कानूनों के, इन मांगों का, जो हमारी मांगे बाल पड़ी हुई हैं जो अभी बाकी है, उनके पूरी सरकार क्या कर रही है, सरकार के पास इसका टाइम है, इतने समय में इन मांगों का क्या बन जाता है, इसके ऊपर हम विचार करेंगे, मोर्चे के अंदर इसका डिसीजन होगा, मोर्चे के अंदर किस मांग के ऊपर संघर्ष जारी रहेगा वो अलग निकाली जाएंगी, क्या क्या हमने प्राप्त किया उसको अलग निकाला जाएगा। ये आंदोलन यहाँ चलेगा, कहीं और चलेगा, चलता रहेगा, कितनी देर चलता रहेगा, ये सब के फैसले संयुक्त मोर्चे के क्षेत्र में आते हैं, संयुक्त मोर्चा ही इसका डिसीजन लेगा, संयुक्त मोर्चा के इसका फैसला होगा, जब ये संयुक्त मोर्चा फैसला करेगा तब ही जहाँ से ये जो आए संघर्ष के अंदर आए हुए लोग हैं ये घर वापसी इनकी तब ही हो सकती है। ये ऐसा नहीं है कि मेला नहीं है, कि ये तमाशगिर कट नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है जो बैठी हुई है यहाँ पर, 1 साल से बैठी हुई है, इनको जथेबंदियाँ अगवाई कर रही हैं, ये मेला देखने के लिए नहीं आए, ये जब भी जथेबंदियाँ इनको लेकर आई हैं जिस तरीके से, ऐसे ही फैसला जथेबंदियाँ करेंगी तब ही ये वापस लोग जाएंगे, ये PM के बयान से नहीं जब वापस जाएंगे, ये हमारा इंतजार करेंगे हमारे फैसले का, वो फैसला संयुक्त मोर्चा के बीच में होगा, वो कल भी हो सकता है और एक दिन पीछे आगे पीछे भी हो सकता है, वो जब भी होगा वो फैसला हम स्टेज से और मीडिया के सामने वो रखेंगे, फिर ही हम वापस जाएंगे।